इंडिया में लेटेस्ट बाइक कौन कौन सी लॉन्च हुई है, यानी कि BS6 इंजन अपडेट में कौन कौन सी बाइक और स्कूटी लॉन्च हुई है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के आखिर तक। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। यामा फसिनो 125 में आपको 125cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC 2-valve पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 8.2 PS की 6500 RPM पर और 9.7 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 5000 RPM पर। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं। इसकी एक शोरूम कीमत शुरू होती है 66,430 रुपये से लेके 69,930 रुपये तक। यामा FZS FIV3 BS6। FZS FI में आपको 149cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC 2-valve पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आसानी से 12.4 PS को 7,250 RPM पर जनरेट करता है और 13.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 5,500 RPM पर। इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर और फ्रंट और रेयर टायर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, यानी आगे और पिछले टायर में डिस्क ब्रेक, यानी अगले और पिछले टायर में डिस्क ब्रेक। इसकी एक शोरूम कीमत है 101,000 रुपये की। यामा YZF R15 V3। ये बाइक भी BS6 में अपडेट आई है। इसमें आपको 155cc का लिक्विड कूलेंट 4-स्ट्रोक 4-वाल SOHC पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 18.6 PS की 10,000 RPM पर और 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 8,500 RPM पर। इस बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर्स और अगले और पिछले टायर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इस बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,45,000 रुपये की। बजाज पल्सर RS 200 ड्यूल ABS। पल्सर RS 200 ड्यूल ABS में आपको 199.5cc का सिंगल सिलेंडर 4-valve ट्रिपल स्पार्क DTSI इंजन लिक्विड कूलेंट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आसानी से 24.5 PS 9,750 RPM पर जनरेट करता है और 18.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 8,000 RPM पर। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और अगले पिछले टायर में डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं। इसकी एक शोरूम कीमत है 1,45,000 रुपये की। टीवीएस जुपिटर। जी हाँ, ये स्कूटी भी BS6 में अपडेट आई है, जिसमें कि आपको 109.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक OHC BS6 पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 8 PS की 7,500 RPM पर और 8.4 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 5,500 RPM पर। इस स्कूटी में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और इसकी एक शोरूम कीमत है 71,809 रुपये की। TVS अपाची RTR 164V में आपको 159.7cc का SI4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड BS6 पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 16 PS की 8,250 RPM पर और 14.12 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 7,250 RPM पर। इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और अगले पिछले टायर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इस बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,02,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये तक की। TVS अपाची RTR 204V। अपाची RTR 204V में आपको 197.75cc का SI4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड BS6 पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 20.5 PS की 8,500 RPM पर और 16.8 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 7,500 RPM पर। और बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और अगले और पिछले टायर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इस बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,26,000 रुपये की। सुजुकी BS6 एक्सिस 125। सुजुकी एक्सिस 125 भी BS6 में अपडेट आया है, जिसमें कि 124cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर 8.7 PS की 6,750 RPM पर और 10 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 5,500 RPM पर। इस स्कूटी में भी ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और इसकी एक शोरूम कीमत है 64,800 रुपये की। जावा पैराग। जावा पैराग में आपको 334cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूलेंट DOHC BS6 पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 30 PS की
और 31 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और अगले पिछले टायर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इस बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,26,000 रुपए की, जो कि जावा कंपनी की बेहतरीन बाइक है। होंडा SP125 में आपको 124cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SIHET BS6 पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर है 10.8 PS की 7500 RPM पर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 6000 RPM पर। इस बाइक में भी आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और इसकी एक शोरूम कीमत है 72,900 रुपये से लेकर 77,100 रुपये तक की। तो ये 10 वो बाइकें हैं जो कि BS6 में अपडेट आ चुकी हैं। आप चाहें तो इन्हें मार्केट में से ले सकते हैं BS6 में अपडेट। आपको इन बाइकों में कौन सी बाइक अच्छी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।